पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो देखिए हम पढ़ रहे थे रिवर सिस्टम, फिर हमने पढ़ा कि रिवर सिस्टम दो तरह का होता है, एक हिमालयन रिवर सिस्टम है, एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। तो जो हिमालयन रिवर सिस्टम है हम वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब बचता है हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इसका मतलब है कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पर कितनी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, उन सब के बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया में बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ना, वो हो गया हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। बट पेनिनसुलर इंडिया है क्या, पहले तो वो पता होना चाहिए, फिर ही हम उससे आगे चल सकते हैं, राइट। तो देखिए अपना पेपर पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए, काफ़ी अच्छे नोट्स आपके मेरी जब ज्योग्राफी की सीरीज़ ख़त्म होगी तब तक प्रिपेयर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि पेनिनसुला क्या होता है। पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ कवर्ड विद वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। ज़मीन का कोई भी ऐसा हिस्सा जो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। जैसे इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है, साउदर्न इंडिया है हमारा, वो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है ना। इस साइड को क्या है, बे ऑफ बंगाल है, इस साइड को क्या है, अरेबियन सी है, और इस साइड को क्या है, इंडियन ओशन है, मतलब पानी पानी है हर साइड। तो इसलिए हम इसे कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं कौन सा रिवर सिस्टम पढ़ना है, जो इस एरिया में फ़्लो करती हैं रिवर्स उनके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। और जो नॉर्दर्न इंडिया में फ़्लो करती थी हिमालयन रिवर सिस्टम्स, वो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिट पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है इसको भी डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसकी स्टडी करेंगे, मतलब इनका एग्जिट कहाँ पर जाके होता है, ठीक है। नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं या फिर नदियाँ अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं, इस हिसाब से हम इनको डिवाइड करते हैं। तो हम डिवाइड करते हैं इनको एज इन ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, एज इन वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, राइट। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स मतलब जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं, और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स मतलब जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं, राइट। अब देखिए हम पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं एंड कौन कौन सी हैं जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये डायग्राम तो दिख ही रहा होगा जो मैंने रफ सा बनाया है। सो पहले हम ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, ये पांच जो हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं और हमें मेनली इन्हीं पांच नदियों के बारे में पढ़ना होता है। देखिए अगर इन नदियों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने बैठे तब तो हमारी एक वीडियो में एक रिवर ही कवर होगी, बट हमें क्या करना है, हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, हमें उस हिसाब से पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम इन पांच नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं, प्लस अब और क्या करती हैं ये, ऑल्सो कॉल्ड डेल्टा फॉर्मिंग रिवर्स, इनको हम कहते हैं वो नदियां जो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल ये हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हमें पढ़ना पड़ेगा डेल्टा तो बनाती है लेकिन ये डेल्टा होता क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब डेल्टा देख लेते हैं कि डेल्टा क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एक बार ध्यान से सुनिएगा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कभी दूसरी बार ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि डेल्टा क्या होता है या ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स क्या होती हैं, ठीक है। लो ट्रायंगुलर एरिया ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स बिफोर एंटरिंग अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। अब देखिए ये बड़ी टफ लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हो गई, बट मैं आपको अच्छे समझाती हूँ होता क्या है डेल्टा। देखिए कोई भी नदी है वो एंड में जाके या तो बंगाल की खाड़ी में चली जानी है या अरब सागर में चली जानी है, ठीक है। तो कोई भी नदी जब इस तरह से किसी भी बड़े सागर में मिलती है तो वो पहले छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। अपने साथ जो भी मलवा मिट्टी लेकर आती है वो सारा एल्यूवियल को यहीं पर डिपॉजिट कर देती है, जो ओशन है वहाँ पे जाने से पहले इसी एरिया में डिपॉजिट कर देती है, और यहाँ से पानी जो है फिर वो जाता है ओशंस में, ठीक है। तो इस तरह ये वाली लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारा मलबा तो यहीं पे जम गया, तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। मेन रिवर टूट गई बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में, छोटी छोटी नदियों में, और फिर जाके मिली वो ओशन में। इस तरह से क्या हुआ, एरिया बहुत फैल गया नदी का। अब देखिए पहले इतनी एरिया में फ़्लो कर रही थी, अब कितने सारे एरिया में फ़्लो कर रही है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये सारी लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गई, ठीक है। तो बस इसे कहते हैं डेल्टा, एक नदी से बहुत सारी छोटी छोटी नदियों में टूटना, राइट। तो आई होप आपको ये जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है ये वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स को कैसे याद रखना है, देखिए इनको तो आपने ऐसे ही याद रखना है, इजी है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेनार।
बट हम बात करें वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की, तो इसको आप नमस्ते से याद रख सकते हैं। देखिए जो ट्रिक्स मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको वही ट्रिक्स बताती हूँ, कोई गूगल से स्पेशल देख के ऐसा कुछ मैं करती नहीं हूँ कि आपको कोई ट्रिक बताऊँ। जो पढ़ती हूँ, जिससे खुद पढ़ती हूँ, वही ट्रिक्स आपको बताती हूँ, अदरवाइज कोई ट्रिक ही नहीं बताती हूँ। तो नमस्ते का हो गया नर्मदा माही साबरमती तापी, NMST, नर्मदा माही साबरमती तापी, ESA नमस्ते में, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एस्टुरीज फॉर्मिंग रिवर्स। अभी एस्टुरीज क्या होती हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फॉल्स इन अरेबियन सी, ये अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं। अब हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये एस्टुरीज जो हमने बात की ये होती क्या है। देखिए साथ में पेपर पेन रखिए, नोट्स बनाते रहिए, एक बार आपका वीडियो भी कंप्लीट और आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आलस ना करें, मुझे पता है बहुत लेजीपन दिखाते हैं ना हम, बहुत लेजीनेस दिखाते हैं कि बाद में बना लेंगे, फिर वो बाद कभी नहीं आता। तो इसलिए साथ साथ में नोट्स मेंटेन करते रहें अपने, ठीक है। हमने पढ़ना था एस्टुरीज के बारे में कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो एस्टुरीज बनाती हैं, तो वो क्या होती हैं। एरिया वेयर फ्रेश वाटर ऑफ रिवर्स मिक्सेस विद सॉल्ट वाटर ऑफ सीज और ओशंस, और फिर बनता है ब्रैकिश वाटर एरिया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। अब देखिए अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आई है तो जो मैं समझा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये है रिवर जो है फ्रेश वाटर रिवर, और ये है ओशन या सी। आपको पता है ओशन वाटर कैसा होता है, सलाइन होता है, खारा होता है। तो जब फ्रेश वाटर लेक सी में जाके या ओशन में जाके मिलता है तो यहाँ पे एक ब्रैकिश वाटर एरिया जो है वो क्रिएट हो जाता है। ना ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, ना ये बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, बस इसी को हम बोलते हैं एस्टुरीज। फ्रेश वाटर रिवर जब सलाइन वाटर वाले ओशन में जाके मिलेगी तो एक एरिया वहाँ पे कवर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जो ना बहुत सॉल्टी होगा ना बहुत फ्रेश वाटर का होगा, मिक्स सा होगा, क्योंकि दोनों मिक्स हो रहे हैं, ब्रैकिश वाटर एरिया बन जाएगा। तो बस इसे ही कहते हैं एस्टुरीज, ठीक है। देखिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट, बेसिक से चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं एंड आई होप आपको समझ आई होंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के साथ। मैंने आपको क्या बताया कि जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसको आप टू टाइप ऑफ रिवर सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर सिस्टम एंड वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर सिस्टम। तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर हम वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके और बहुत इधर उधर से नोट्स मेंटेन किए हैं, सिर्फ आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ढेरों प्यार दें, इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अपने नोट्स भी साथ साथ में मेंटेन करें, फाइन, नोट्स बनाते रहिए, बार बार मैं स्ट्रेस देती हूँ इस बात पर। सो फर्स्ट है जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट है गोदावरी, ठीक है। अब पहले तो ये बताया गया है कि गोदावरी को और किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो गोदावरी को साउथ गंगा के नाम से जाना जाता है, अब इसी को हिंदी में कह लीजिए दक्षिण गंगा के नाम से, ठीक है। ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है, इसी को हिंदी में कह लीजिए ओल्ड मतलब वृद्ध गंगा, और गोदावरी गंगा के बारे में जाना के नाम से जाना जाता है। गोदावरी के बारे में पढ़ लिया, किस किस नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं ओरिजिनेशन की, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो देखिए गोदावरी का जो ट्रिक्स मैंने यूज़ किए हैं हमेशा वही बताती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताती हूँ गूगल से देख के। गोदावरी यानी गोत्र, ठीक है, गोदावरी गोत्र, गोदावरी त्रिंबकेश्वर, ऐसे याद किया है मैंने। तो ओरिजिनेशन देखिए आपको लग रहा होगा बेकार से ट्रिक है, बट जब हम बार बार, क्योंकि नोट्स क्या होता है, कई तरह के एग्जाम्स हमने भरे होते हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का भी भरा होता है, एनटी का भी भरा होता है, अलाइड का भी भरा होता है, क्लर्क का भी भरा होता है, सुपरिटेंडेंट का भी भरा होता है, अपना कमीशन और भी भरे होते हैं। तो होता क्या है कि बार बार हमें पढ़ना पड़ता है, तो जब हम बार बार पढ़ते हैं ना तो हमें ये चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है जब हम कॉपी की तरफ देखते हैं बार बार, ठीक है। हम ओरिजिनेशन की बात कर रहे थे, तो ये ओरिजिनेट होती है त्रिंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। स्टेट्स इन विच इट फ्लोज, अब ये कौन कौन से स्टेट्स में बहती है। तो देखिए जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा बहती है वो स्टेट्स यहाँ पे लिखी हैं, कई स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा टच करके निकलती हैं, थोड़ा सा बहती हैं, तो उनको यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। मेन जो पूछा जाता है पेपर में सिर्फ वही यहाँ पे लिखा है। तो किन किन स्टेट से होकर गोदावरी नदी बहती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, फाइन। एग्जिट पॉइंट, ऑब्वियसली ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है तो एग्जिट पॉइंट तो ये जाएगी, तो बे ऑफ बंगाल में ही जाएगी, बट कौन से पॉइंट से पे टच करके ये बे ऑफ बंगाल में जाएगी, मतलब इन जो हमारा इंडिया है, इंडिया की लैंड को कौन से पार्ट में छोड़ेगी, अब ये हमने पढ़ना है। तो नियर मछली पट्टनम आंध्र प्रदेश से होकर ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब हमें पढ़नी है ट्रिब्यूटरीज, मतलब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, गोदावरी की है, ठीक है। तो देखिए जो इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं ये मैंने वैसे ही याद की, क्योंकि इनके लिए ट्रिक आप कैसे बनाएंगे, है ना। तो ओरना, मंजरा, वर्धा, पेन गंगा, वेन गंगा, परणहिता, इंद्रावती, ठीक है, ये सारी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं किसकी,
गोदावरी नदी की। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जो गोदावरी नदी के तट पर आती हैं, ठीक है, तट पर बसी हुई हैं। अब उनके बारे में पढ़ना है तो वो हो गई हमारी नासिक, पुडुचेरी, त्रिंबकेश्वर, औरंगाबाद, नागपुर, निज़ामाबाद। तो ये सारे वो शहर हैं जो गोदावरी नदी के तट पर बसे हुए हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, जो मैंने बात की कि लैंड का ऐसा पार्ट जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है, तो इस तरह से जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, वो वहाँ की सबसे लंबी नदी है हमारी कौन सी, गोदावरी। मतलब ईस्टर्न फ्लोइंग में भी सबसे लंबी यही है, वेस्टर्न फ्लोइंग में भी सबसे लंबी यही है, ओवरऑल सबसे लंबी यही है, ठीक है। राजहमुंद्री, ये लार्जेस्ट सिटी है ऑन दी बैंक ऑफ गोदावरी, गोदावरी नदी के तट पर बसी हुई सबसे लंबी सिटी है राजहमुंद्री, ठीक है। प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बने हैं इस नदी के तट पे, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट जो है वो गोदावरी नदी के तट पर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है ओनली इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हो गई हमारी मांजरा, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है महानदी। देखिए, हमने गोदावरी नदी के बारे में पढ़ लिया, अब जो नेक्स्ट यानी सेकंड ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो है महानदी, ठीक है। इसका ओरिजिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे, तो यहाँ मैं ओरिजिनेशन लिखना भूल गई हूँ, मैंने इसको याद किया है मसीहा से, महानदी सिहावा, ठीक है। ओरिजिनेशन इसका होता है सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। फ्लो कौन कौन से स्टेट में से करती है ये, तो इट फ्लोज इन मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। और देखिए, महानदी का मतलब क्या होता है, महान मतलब ग्रेट, नदी मतलब रिवर, तो इसे ग्रेट रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गोदावरी हमने पूरा पढ़ लिया, महानदी का हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, तो अब देखिए आप अपने नोट्स मेंटेन करते रहिए, पेपर और पेन साथ में रखिए। अगर आपने साथ साथ में वीडियो के सुनते सुनते नोट्स बना लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, अदरवाइज आपको फिर से भटकना पड़ेगा इधर उधर, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जिट पॉइंट, कि ये कहाँ से जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले कटक उड़ीसा में जाके ये अपनी टू डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, कटगुड़ी एंड बिरूपा, तो इसलिए माना जाता है कि कटक से ये अलग हो गई दो में और उसके बाद ही चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब बात करें सिटीज़ की, महानदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो वो हो गया हमारा संबलपुर और कटक उड़ीसा, ठीक है। डैम्स की बात करें, कौन कौन से डैम हैं जो महानदी के तट पर बने हुए हैं, या सॉरी महानदी रिवर के ऊपर बने हुए हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम इंडिया का हीराकुंड डैम, जो कि उड़ीसा में है, महानदी के ऊपर बना हुआ है। लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे लंबा डैम है हमारा हीराकुंड डैम, माइंड में रखिए। नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, स्केच पेन से जो भी हाईलाइट आप करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ की बात करें तो 4.5 से भी ज़्यादा, मतलब 4.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों की बात करें महानदी की, तो श्रीनाथ, हसदियो, मांड, इब, ओंग, टेल, ये सारी जो हैं सहायक नदियाँ हैं महानदी की, ठीक है। गोदावरी नदी के बारे में पढ़ लिया, महानदी के बारे में पढ़ लिया, अब जो थर्ड ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर की हम बात करेंगे ना, वो है कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा नदी का सबसे पहले तो ओरिजिनेशन पढ़ लेते हैं, उद्गम स्थल पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर, पूना, महाराष्ट्र से। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, कर्मा, कृष्णा नदी कर्मा, कृष्णा महाबलेश्वर, पुणे, महाराष्ट्र, ठीक है। नाउ सेकेंड लार्जेस्ट ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुला, पेनिनसुला की ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में सेकेंड नंबर आता है इसका, ठीक है। सबसे लंबी नदी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में कौन सी है, गोदावरी है, सेकेंड नंबर पे सबसे लंबी कौन सी है, कृष्णा है, ठीक है, लेकिन ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये, राइट। वन ऑफ द डिजास्ट्रस रिवर ऑफ द वर्ल्ड, हैवी सॉइल इरोजन, कृष्णा को जो है दुनिया की सबसे डिजास्ट्रस रिवर्स में शुमार किया जाता है। इसका नाम क्यों किया जाता है, क्योंकि हैवी सॉइल इरोजन लाती है अपने साथ, मतलब बहुत ज़मीन इसके साथ जो है वो लैंडस्लाइड्स होते हैं, मिट्टी अपने साथ लेकर आती है ना, तो बहुत डिजास्टर ये क्रिएट करती है, इसलिए इसे कहा जाता है वन ऑफ द डिजास्ट्रस रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लो कौन कौन से स्टेट्स में करती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये फ्लो करती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में, ठीक है।
स्टेट्स का आपको हल्का सा ध्यान रखना है, बाकी जब भी आप रिवर्स पढ़ेंगे ना साथ में ऑक्सफोर्ड एटलस अपने रखना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको रिवर्स उसके थ्रू पढ़ाऊंगी तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी रिवर्स पढ़नी है। डेली आपने दो रिवर्स का पैटर्न याद करना है कहाँ से कहाँ को बहती है, और देखना इतने अच्छे से आपको एंड तक याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कौन कौन से स्टेट्स में फ्लो करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, राइट। नेक्स्ट आता है एग्जिट पॉइंट कि देखिए ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, बे ऑफ बंगाल में जाकर ही इसने मिलना है, बट कौन से पॉइंट से जाकर ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है, इंडिया का जो मेन लैंड है, लैंड वाला पार्ट है, उसको कौन से पॉइंट में ये छोड़ती है, तो वो आता है नियर विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब है डैम्स, कौन कौन से डैम हैं जो आप कह लीजिए कि कृष्णा नदी पर बने हुए हैं, ये क्वेश्चन आता है। नागार्जुन सागर डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिएगा या जो भी आप जैसे भी हाईलाइट करते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। देखिए डैम्स मैं अलग से भी पढ़ाऊंगी, कौन सा डैम है, क्या स्पेशलिटी है, कौन यूएसए के मॉडल पे बना है, कौन ब्रिटिश मॉडल को फॉलो करता है, कौन इंडिया का ओल्डेस्ट डैम है, कौन इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, सब कुछ पढ़ेंगे, कौन सी नदी पे है, कौन से स्टेट में है, बट वहाँ पे तो हमने पढ़ना ही है, बट साथ साथ में जहाँ जो चीज़ मिल रही है उसको आपने अपने माइंड में घुसाते चलना है। ठीक है, तो डैम्स के बारे में हम बात कर रहे थे। नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, कृष्णा नदी क्या है, वन ऑफ द डिजास्ट्रस रिवर है वर्ल्ड की। सिटीज़ की बात करें, ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो कृष्णा नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो देखिए अभी हमने बात की थी कि निकल जाती है ये, इंडिया को छोड़ती है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, तो जो विजयवाड़ा है ठीक है वो कृष्णा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। नेक्स्ट आता है ट्रिब्यूटरीज, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी इस तरह से बह रही है, ठीक है, तो जिस साइड को नदी बहती है उसके लेफ्ट में जो उसमें नदियाँ मिलती हैं वो होती हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो इसके राइट से मिलती हैं वो होती हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बार मैंने बताया है, लेकिन अगर नदी यहाँ को बह रही है ना तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये होंगी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये होंगी। ठीक है, यहाँ को बह रही है तो लेफ्ट ये होगी, यहाँ को बह रही है सॉरी यहाँ को बह रही है तो राइट ये होगा, और यहाँ को बह रहा है तो राइट ये होगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे का भी आपने ध्यान रखना है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन से आते हैं, भीमा, मूसी, पलेरू। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी आती है, वीना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा क्वेश्चन आता है कौन से नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये तो कृष्णा की है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, कोयना है, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा एंड तुंगभद्रा। ठीक है, तो ये हमारा कृष्णा रिवर का भी हो गया कंप्लीट, तीन रिवर सिस्टम हमने कर लिए कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ रिवर्स के नाम दिखाई दे रहे होंगे, तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की। देखिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें करना क्या है, भीमा नदी, मूसी, कोयना, उसके बाद आता है पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा एंड तुंगभद्रा। ठीक है, ये सारी रिवर्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनके बारे में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो देखिए ये आपकी चॉइस है, आपको नोट्स बनाने हैं तो बनाइए, नहीं बनाने हैं तो जो हमने फोर्थ रिवर पढ़नी है ठीक है उसका टाइम स्टैम्प आपको स्क्रीन पर कहीं दिख रहा होगा, उतने आगे फॉरवर्ड कर लीजिए वीडियो को, उस टाइम स्टैम्प पे चले जाइए। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए एक डेढ़ मिनट में हम इस पेज को कवर कर देंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, कौन सा डैम, कौन सी नदी, कौन सी लेक, बस ये पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले है भीमा, भीमा का और भीमा नदी का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, भीमा शंकर हिल्स वेस्टर्न घाट से होता है, भीमा शंकर जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है 12 में से वो इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। मूसी की बात करें तो मुचुकुंडा रिवर भी बोलते हैं, उस्मान सागर रिजर्वायर इसके ऊपर बनी हुई है 1920 में, और हिमायत सागर डैम इस पर बना है, हुसैन सागर लेक यहाँ पे है, ऑल्सो कॉल्ड बोल फॉर वाटर फेस्टिवल्स, जितने भी वाटर फेस्टिवल्स हैं उनका बोल भी से कहा जाता है, क्योंकि बोटिंग रेसेज हैं, बोटिंग कंटेस्ट है, स्विमिंग टूर्नामेंट्स हैं, वो सब कुछ कहाँ होते हैं, मूसी नदी के तट पर ही होते हैं, राइट। फिर आता है कोयना नदी, अब कोयना नदी के बारे में क्या स्पेशल बात है, महाबलेश्वर सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से ऑरिजिनेट होती है, कोयना डैम इसके ऊपर बना हुआ है, शिव सागर लेक है। देखिए सब सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक्स्ट्रा कहानियाँ नहीं लिखी हैं। फिर है पंचगंगा, पंचगंगा फ्लोस थ्रू द बॉर्डर ऑफ कोल्हापुर, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोल्हापुर के बॉर्डर से कौन सी नदी फ्लो, कोल्हापुर सिटी में कौन सी नदी फ्लो करती है, तो पंचगंगा। मीट्स कृष्णा एट कुरुनवद, इसको ध्यान दीजिए, दूधगंगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कलमवाड़ी डैम इसके ऊपर बना हुआ है, घटप्रभा की बात करें वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिनेशन होता है, मलप्रभा एंड तुंगभद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मलप्रभा का ओरिजिनेशन होता है कन्नम कुंभी बेलगाम कर्नाटका से, और नविला तीर्था डैम इसके ऊपर बना हुआ है जो कि जिसकी वजह से रेणुका सागर रिजर्वायर बनी है। फेमस टेम्पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेमस टेम्पल जो है एहोल, पट्टडकल एंड बदामी, ये दो टेम्पल्स हैं ठीक है जो फेमस टेम्पल्स हैं, मलप्रभा के तट पर बसे हुए हैं, और इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी घोषित किया गया है बाय यूनेस्को।
तुंगभद्रा की बात करें तो तुंगभद्रा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। तुंगा प्लस भद्रा दो रिवर से मिलकर बना हुआ है, दोनों जब मिल जाती हैं तो हम कहते हैं उसे तुंगभद्रा। और ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वर्धा इसकी ट्रिब्यूटरी है। सिटीज़ की बात करें वेरी इंपॉर्टेंट, हॉस्पट, हम्पी, कुरनूल, ये तीनों जो हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, देखिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है इन ट्रिब्यूटरीज में। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है फोर्थ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, तो वो है कावेरी। अब हम कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, द गंगा ऑफ द साउथ भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा या साउथ गंगा जो है वो किसे कहा जाता है? गोदावरी को। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर ओरिजिनेशन की बात करें तो कावेरी यानी कब्र, का से कावेरी, ब्र से ब्रह्मगिरी हिल्स। तो ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी हिल्स, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। फाइन, नाउ बिफोर बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले रिवर ब्रेक्स लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज। काफ़ी शॉर्ट में मैंने लिखा है, अदरवाइज बहुत लंबी लाइन हो जाती, कि जो नदी है ना बहुत छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाती है, मतलब बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाती हैं, फॉर्मिंग अ वाइड डेल्टा, जिससे एक बहुत बड़ा डेल्टा बन जाता है। समझ गए ना आप डेल्टा कैसे बनता है? ये मान लीजिए नदी है और ये बहुत छोटी 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 नदियों में इस तरह से टूट गई। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? बहुत बड़ा डेल्टा बन गया, जिसे कहते हैं गार्डन ऑफ साउदर्न इंडिया। राइट, अब एग्जिट पॉइंट की बात करें तो कहाँ से एग्जिट होती है? ये कारकोल तमिलनाडु से एग्जिट होती है और सीधे चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों की बात करें तो अमरावती है, भवानी है, हारंगी है, ये सारी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी सहायक नदी हैं कावेरी नदी की। सिटीज़, ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो कावेरी नदी के तट पर बसे हुए हैं? तो वो हैं तिरुचिरापल्ली, हम्पी। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी सबसे ज़्यादा किस में है? तो उस टर्म में कावेरी जो है सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में से। अब हम बात करेंगे डैम्स की, कौन कौन से डैम्स हैं जो कावेरी नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो वो हो गया हमारा शिव समुद्रम डैम हो गया, जो कि कर्नाटका में है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट डैम भी है। हमने हीराकुंड डैम के बारे में पढ़ा, जो महानदी के तट पर बना हुआ है, वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम है, 4.8 किलोमीटर उसकी लेंथ है। उसी तरह से अब हम पढ़ रहे हैं शिव समुद्रम डैम के बारे में, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का सबसे पुराना डैम है, मतलब समझ लीजिए पहला ही डैम होगा उस टाइम, है ना, जो कि कर्नाटका में बना हुआ है। कौन सा? शिव समुद्रम डैम। कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे है। फाइन, अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ एंड द लास्ट ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। इसके साथ हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हो जाएंगी कंप्लीट, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स को। तो देखिए पेनार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओरिजिनेशन वगैरह ही इंपॉर्टेंट है इसका, तो वो देख लेते हैं। पेनार मतलब पीना, पे से पेनार, ना से नंदी हिल्स। बाकी नंदी हिल्स तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना जैसे ज्योग्राफी, तो आपको पता चल जाएगा कि चिकबलपुर कर्नाटका में है। तो हम पेनार की बात कर रहे थे, ओरिजिनेशन की बात करें तो नंदी हिल्स चिकबलपुर कर्नाटका, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, फ्लोज थ्रू कर्नाटका आंध्र प्रदेश, दो स्टेट से होकर बहती है। कौन कौन से स्टेट्स हैं वो? एक हो गई कर्नाटका, एक हो गया आंध्र प्रदेश। एग्जिट पॉइंट की बात करें तो बे ऑफ बंगाल से ये एग्जिट होती है, मतलब बे ऑफ बंगाल में सीधे ये मिल जाती है। सिटीज़ की बात करें कि कौन कौन से शहर हैं जो पेनार नदी पे बसे हुए हैं, वो हो गया नेलोर। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इसमें खास, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी नहीं है। तो ये हो गई हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कंप्लीट, और मुझे आप ज़रूर बताएं कि आप नोट्स भी बना रहे हैं या सिर्फ वीडियो देख ही रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए इस बात का रिप्लाई कि नोट्स बना रहे हैं या सिर्फ वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हो गई कंप्लीट, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, मतलब वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियाँ, मतलब जो अरेबियन सी में, अरब के अरब सागर में जो जाती हैं, अरेबियन सी में जाती हैं। तो इसके लिए हमने ट्रिक की थी नमस्ते की, नर्मदा, माही, साबरमती, तापी या ताप्ती। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में। तो ये लॉन्गेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है इन इंडिया, इंडिया में वेस्ट की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर इन एमपी, एमपी में सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, इट फ्लोज इन एमपी एंड गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात दो स्टेट्स में ये बहती है, बाकी जगह भी थोड़ा बहुत बहती होगी, बट जो मेन हम पढ़ते हैं मैक्सिमम जहाँ पे ये फ्लो करती है। इसे कहा जाता है लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, वहाँ की लाइफलाइन कहा जाती है, वहाँ के काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो इसी रिवर पे बेस्ड है। ओरिजिनेशन यानी उद्गम स्थल की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक हिल्स एमपी से। नर्मदा कैसे की है मैंने? नामर, नर्मदा अमरकंटक हिल्स। ठीक है, आपको अच्छी लगे ट्रिक कर लेना, नहीं लगे छोड़ देना, बट मुझे इस तरह से मतलब टिप्स पे सारी नदियां याद है, बस आपको नाम बताया, नर्मदा, नामर, अमरकंटक हिल्स, एमपी। इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन नॉर्दर्न इंडिया एंड साउदर्न इंडिया, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है उसके बीच में बाउंड्री क्रिएट करता है। एग्जिट पॉइंट की बात करें तो भरूच गुजरात, गल्फ ऑफ खंबाट, अरेबियन सी। भरूच एक जगह है गुजरात में,
खाड़ी जो है खंबाट की खाड़ी से होकर ये अरब सागर में जाती है, ठीक है। ओनली टू रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सिर्फ ऐसी दो नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया में जो ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और वो कौन सी हैं? ताप्ती एंड नर्मदा रिवर। अब आप सोच रहे होंगे ये तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स ही पड़ रहे हैं तो सारी वेस्ट की तरफ जाती होंगी। देखिए इनके डायरेक्शन जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट होती रहती है, बट सिर्फ दो ही ऐसी रिवर्स हैं जो डायरेक्टली ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, वो है नर्मदा और ताप्ती रिवर, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं नर्मदा की, तो वह है बुरहनेर, बंजार, शक्कर, तवा, कोलर, दूधी, ठीक है। डैम कौन सा डैम है जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, तो सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सिटीज़ की बात करें, ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो इस नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो वो है ओमकारेश्वर एंड जबलपुर MP, राइट। अब नर्मदा नदी हो गई, फिर नेक्स्ट आता है माही, ये भी जो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। ओरिजिनेशन की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है माही कांता हिल्स विंध्याचल रेंज ग्वालियर MP से, ठीक है। फ्लोज इन MP, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे ये फ्लो करती है। वायु पुराण जो है वहाँ पे इसे महाती नाम से ही जाना गया है माही नदी को, तो आप समझ सकते हैं कितनी सिग्निफिकेंट रिवर है, पुराने टाइम से ही कितनी ज़्यादा मतलब चर्चा का विषय है। वायु पुराण में भी इसे जाना जाता था महाती नाम से। अदर नेम्स, ये कुछ और नामों से भी जानी जाती है, तो कौन है वो नाम? माऊ, माहू, मेंडा। ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, माही नदी की हम बात कर रहे हैं जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। ये डायरेक्ट अरब की खाड़ी, सॉरी जिसे अरेबियन सी कहते हैं, अब हिंदी में देख लेना अरब सागर जो भी कहते हैं उसे, अरेबियन सी में जाकर मिलती है। ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली, सोम, पनम, एनएस। प्रोजेक्ट्स की बात करें, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो माही नदी के वाटर पर बने हुए हैं, तो वो हो गया माही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड कदाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखिए आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना पेपर पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं आपको बहुत लॉस हो जाएगा। एक बार पढ़ेंगे एग्जाम के लिए फिर भूल जाएंगे, दूसरी बार जब कोई एग्जाम आएगा फिर से वीडियो की तरफ ताका झांकी करनी पड़ेगी। यूट्यूब पर जाएँ या गूगल पर जाएँ, किसी वेबसाइट पर जाएँ या किसी यूट्यूब चैनल पर जाएँ, कोई PDF डाउनलोड कर लें, बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे वेस्ट हो जाता है, बिलीव मी मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। तो उसके बाद से मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, उसके बाद कहीं नहीं जाना, बुक्स का भी नहीं रहता, अगर टाइम कम है तो सीधे नोट्स से पढ़ लिया और हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम डैम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हम डैम्स के बारे में पढ़ रहे थे, बंसवारा डैम है, ठीक है, जिसे माही बजाज सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? माही नदी के ऊपर बना हुआ है। और वनकबोरी डैम है, कौन सी नदी पे बना हुआ है? माही नदी पे बना हुआ है। तो देखिए इस तरह से हमने माही रिवर और नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, राइट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखें, दिस इज़ द लास्ट पेज, और इसके साथ हमारा जो रिवर सिस्टम है पूरा का पूरा, हिमालयन प्लस पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिवर्स के लिए कभी इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, वेरी हॉट टॉपिक रहता है कि कहाँ से पढ़ें, समझ नहीं आ रहा, नोट्स कैसे बनाएं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फाइन। तो सबसे पहले तो हम थर्ड वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है साबरमती। अब साबरमती का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, उद्गम स्थल क्या है, तो वो हो गया अरावली रेंज उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है। और याद कैसे करना है, सौदा, सा से साबरमती, उदय से उदयपुर, ठीक है। एग्जिट पॉइंट कहाँ है, गल्फ ऑफ खंबाट अरेबियन सी, खंबाट की खाड़ी से अरेबियन सी में चली जाती है। फ्लोज इन राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और गुजरात में फ्लो करती है। सिटीज़ यानी कौन कौन से शहर हैं जो साबरमती नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो वो हो गए हमारे अहमदाबाद एंड गांधीनगर। ट्रिब्यूटरीज की बात करें सहायक नदियों की, तो वो हो गई हथामाती एंड वकार। डैम की बात करें, धरोई डैम जो है साबरमती नदी पे बना हुआ है, ये एक सीजनल रिवर है। फ्लो इज मेनली डोमिनेटेड बाय द मॉनसून, मतलब जब बरसात होगी पानी आ जाएगा, अदरवाइज पानी नहीं होगा, सीजनल रिवर है, ठीक है। फ्लोज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती है, फाइन। साबरमती नदी के बारे में हो गया, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है ताप्ती नदी के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं हमारी, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऊपर मैंने काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, शॉर्ट वीडियोज़ और बहुत ही फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ मैंने कंप्लीट कर दी है, ऑलमोस्ट कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए हैं, अदरवाइज वो कंप्लीट ही है, तो आप चाहें तो वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको उन वीडियोज़ को देख के भी। प्लस जो नेशनल मूवमेंट है उनके ऊपर भी मैं हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए हैं, काफ़ी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जगह जगह से देखकर बनाए हैं ताकि कुछ डेटा छूट ना जाए, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। देखिए आपको मेरे चैनल पर जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लेसन प्लान्स फॉर GBT और DLED,
एचपी जीके के नोट्स ही सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप ये सब कुछ पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, आराम से वीडियो देखिए और नोट्स बना लिए, कोई टेंशन का काम नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए हम लास्ट रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो लास्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। इसी के साथ हमारी वीडियो भी हो जाएगी कंप्लीट। और वो कौन सी है? वो है ताप्ती। ताप्ती का ओरिजिनेशन पॉइंट देखें तो नियर मुल्ताई सिटी, इंडस्ट्रियल बैतूल, एमपी, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। फ्लो की बात करें तो इट फ्लोज इन एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन तीन स्टेट्स में फ्लो करती है, बहती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, मतलब सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो सहायक नदियां हो गई इसकी सुकी, अरुणावती, अनेर, अमरावती, गीमा, पूर्णा, पांझरा, ये सारी सहायक नदियां हैं। डैम्स की बात करें तो देख सकते हैं आप कितने सारे डैम्स जो हैं इस नदी पे बने हुए हैं। हथनूर डैम है महाराष्ट्र में, कक्करपारा डैम है गुजरात में, ये इंपॉर्टेंट है। उकाई डैम है गुजरात में, ये इंपॉर्टेंट है। गीमा डैम महाराष्ट्र, ये सारे डैम्स जो हैं ये ताप्ती रिवर पर बने हुए हैं। सिटीज़ की बात करें, ऐसा कौन सा शहर है जो ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सबसे पहले तो सूरत गुजरात है, ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। बैतूल सिटी, बुरहानपुर, एमपी, ये सब जो है कहाँ बसे हुए हैं, ताप्ती नदी के तट पर बसे हुए हैं। एग्जिट पॉइंट की बात करें तो देखिए सिंपल सी बात है, हम वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स पढ़ रहे हैं, सारी की सारी अरेबियन सी में ही जाएंगी, तो ये जाएगी गल्फ ऑफ खंबार, यानी खंबार की खाड़ी से होके, ठीक है। तो हमारा जो ये पार्ट था, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कह लीजिए या पूरा का पूरा रिवर सिस्टम कह लीजिए, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ भी आता है या नहीं आता है, या फिर आप कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को भी लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने नोट्स भी साथ साथ में मेंटेन रखें। सो सी यू सून।